सब खुश रहें सब और मजे करें। और अभी हम आ रखे हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, और अभी जो है पीछे मैं गुजिया तलूंगी, हमने गुजिया तो भर दी है, तो अभी मम्मी जी और मैं गुजिया बना रहे हैं। तो अभी हम हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, तो अभी जो मम्मी जी दिखा रही थी वो कंडाली के या कंडली के चिप्स हैं, तो वो सजे बिहारी। आप सभी को हमारा प्रणाम, और आज के ब्लॉग में हम सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सबको होली की और वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी जी आप भी कुछ कहना चाह रहे? सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और सब अच्छे से त्यौहार मनाएं अपने हंसी खुशी से। हाँ, और सब खुश रहें सब और मजे करें। और अभी हम आ रखे हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, और हम दादी जी से मिलने भी आए हैं, तो अभी हम दर्शन करेंगे मंदिर के और फिर हम होली आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम गुजिया बना रहे हैं, और ये मसाला है, आटा है, और ये इतनी गुजिया बन चुकी है। तो अभी मम्मी जी और मैं गुजिया बना रहे हैं, आज 6 तारीख है, तो बन जाएगी आज गुजिया। ऐसे बन रही है गुजिया, तो ये इतनी बन चुकी है, ये भी इस तरह से दिख रही है। और ये है, यहाँ मम्मी जी बेल रहे हैं। ये गुजिया है हमारी, ये हमने बेल के रखा हुआ है, ये मसाला है और ये गुजिया है सारी। तो इसके मसाले में हमने डाला है नारियल कद्दूकस करके, फिर उसे भून दिया था थोड़े से घी में, और बादाम काजू भून के डाले हैं, चिरौंजी, इलायची पाउडर, और घर पे बना मावा, किशमिश डाली है, और भी था कुछ याद नहीं आ रहा। अभी याद नहीं आ रहा। और आटा सिंपल ही गूंदा है, घी डाला था मोइन के लिए, और अब तेल में बनाएंगे। तो आज के ब्लॉग में तो हम आपको होली की तैयारियां दिखा रहे हैं और होली का फेस्टिवल दिखा रहे हैं। तो अभी जो है पीछे मैं गुजिया तलूंगी, हमने गुजिया तो भर दी है, अभी थोड़ी सी आधी रह गई है तो वो बाद में भरेंगे। तो अभी तो आज हम लंच में पुलाव ही बना रहे हैं, क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सिंधी भगोना बोलते हैं, इसे नसीराबाद से लिया था, ये राजस्थान में एक जगह है वहाँ से, तो इसमें अच्छा बनता है पुलाव वगैरह, अगर आप बिरयानी भी बनाना चाहते हो तो अच्छी बनती है। तो इसमें अभी पुलाव बन रहा है, और यहाँ तेल रखा है गुजिया फ्राई करने के लिए। तो गुजिया की जो रेसिपी है वो मैंने प्रॉपर कुकिंग चैनल, जैसे कुकिंग ब्लॉग होता है, उसकी तरह नहीं बनाई है, और उसमें सिर्फ सिंपल आपको मैदा है, उसको मैंने घी में गूंदा है और मोइन बनने तक उसको गूंदा है, मतलब मोइन के लिए मैंने घी डाला है मैदे में। और जब घी हम तब तक डालते हैं जब तक मुट्ठी बंद, ऐसे जो मैदा है वो बंद होने लगे तब तक, और उसके बाद गुनगुने पानी में उसको थोड़ा मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है, वैसा गूंद दिया है। और जो मसाला है उसमें मैंने घर पे ही मावा बनाया था, 2.5 लीटर दूध को उसको पकाते रहते हैं और उससे मावा बन जाता है, तो घर पे ही मावा बना दिया था मैंने। मावा बनाना सिंपल है, तो होममेड मावा सही रहता है, क्योंकि बाज़ार का हम पहले भी नहीं लेते थे मावा, तो होममेड मावा ही यूज़ किया है। और गुजिया के लिए मैंने जो खोपरा होता है नारियल खोपरा वो लिया, उसे कद्दूकस किया, फिर 1 चम्मच थोड़ा सा घी में उसे भून दिया, एक साइड रख दिया नारियल कद्दूकस, और भूनने के बाद मैंने जो काजू है उनको भी थोड़ा सा 1 चम्मच घी में थोड़ा सा सॉटे करा, और काजू को भी सॉटे करा, और फिर उनको जो है कूट लिया, दरदरा सा कूट लेना है। और उसके बाद इलायची पाउडर भी डाला है मैंने जो मसाला बनाया है गुजिया का, उसमें चिरौंजी डाली है, किशमिश डाली है, तो ये सब आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, खरबूजे के बीज भी थे तो वो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है उसको डालना, पर चिरौंजी डालना इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, इलायची पाउडर डालना भी। गुजिया का जो मसाला है उसमें मीठे में हम डाल रहे हैं बूरा, तो और इन सबको फिर मिक्स कर देना। तो अभी मैं रिफाइंड ऑयल में गुजिया को तलूंगी, तो तेल अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, और यहाँ पे जो मैं ये कह रही थी ये सिंधी भगोना होता है, इस तरह से दिखता है ये, और इसमें पुलाव बन रहा है तो ऐसे दिखता है पुलाव इसमें, तो इसमें बिरयानी वगैरह भी काफ़ी अच्छी बनती है, और वेज पुलाव तो अच्छा बन ही जाता है इसमें, चिकन वगैरह भी इसमें अच्छा बनता है अगर आप बनाना चाहो तो। तो अब मैं गुजिया तलूंगी, और इतनी जो थोड़ी सी गुजिया बना रखी थी इनको अब हम तलेंगे, अब हम तेल में एक एक करके सारी गुजिया डालेंगे और तल लेंगे, इस तरह की है गुजिया। अब मीडियम फ्लेम में मैं गुजिया को तल रही हूँ, अब तलने के बाद दिखाऊंगी कैसी होती है। तो इन
इन गुजिया में अब कलर आने लगा है हल्का हल्का, तो इनमें ये होता है कि ये पलट जाती है, मोटी सी हो गई और पलटने लगती है, तब इसको ऐसे ऐसे सही करना पड़ता है बार बार। तब ये तल रही हैं, अब गुजिया सिक चुकी है और इन्हें मैं अब निकाल रही हूँ। तो ये है हमने जो गुजिया बनाई है वो बन के रेडी हो चुकी है और ऐसी दिखती है, तो ये बन गई है अब। तो अब हम होली की शुरुआत कर रहे हैं हमारे यहाँ के प्रसिद्ध चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से, और मम्मी जी और मैं आए हैं यहाँ पे। मम्मी जी हैं और हैप्पी होली। और ये हमारे यहाँ का मंदिर, हाँ ये हमारे यहाँ का मंदिर है चंद्रेश्वर महादेव। तो अभी हम हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, तो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आई हूँ। और ये भी अभी हमने इनके साथ भी होली खेली और ये अभी ऊपर ही है उधर सेलिब्रेट करने गए हैं होली, और मम्मी जी और मैं नीचे हम यहाँ आ रखे हैं। और ये हमारे यहाँ का बहुत ही सुंदर मंदिर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप श्रीकोट के एरिया में है रहते हैं तो ये अलकनंदा नदी के किनारे चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ ज़रूर आए दर्शन करने, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और यहाँ पे शिवलिंग है प्राचीन, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। तो ये है अलकनंदा नदी सामने और यहाँ मंदिर है, आज मौसम भी अच्छा हो रखा है। और ये हमारे यहाँ का मंदिर, वो बच्चों को दिखा नदी में होली खेलने, हाँ वो सीधे पानी में ही चले गए, तो वहाँ बस बच्चे जा रखे हैं होली खेलने, उधर है नदी में जा रखे हैं आगे कहीं। तो यहाँ बच्चे नदी में ही जा रखे हैं होली खेलने के लिए, ये थोड़ा पानी अटका हुआ है ना उसका है आगे से, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ बरगद का और पीपल का पेड़ भी है पीछे, और ये मंदिर है। और यहाँ मंदिर में शेरू सो रहा है, आराम कर रहा है, और एक छोटा डॉगी और है प्यारा सा, उसका नाम पूछते हैं दादी से। हाँ अभी दादी जी पता नहीं क्या करने लग गए, दादी जी काम करने लग गए क्या जी? ये छोटा वाला है, ये इसका नाम गुल्ली गुल्ली, अच्छा ये है प्यारा सा, इसका नाम है गुल्ली, देवो भी है, शोरा है। ये कंडाली के चिप्स है, दादी ने अपने हाथ से बनाए, दादी और दादी की बहू ने, हाँ जब इसकी रेसिपी हम आपको आगे दिखाएंगे। हाँ तो दादी ने पापड़ तल रखे हैं कुछ है, ये हाँ तो ये कंडली के चिप्स। तो अभी जो मम्मी जी दिखा रही थी वो कंडली कंडाली के या कंडली के चिप्स हैं, तो वो भी मैंने पहली बार सुना, तो जिस दिन आप दादी जी और भाभी बनाएंगे दोबारा तब हम दिखाएंगे कैसे बने। हाँ उसको बिच्छू घास भी बोलते हैं, खा के बताओ कैसे हो रहे, अच्छे हो रहे हैं टेस्ट में। अभी हम दादी जी के यहाँ आए हैं, दादी जी आप कुछ बोलना चाहोगे सबको? होली के शुभकामना तुम होता है, सब लोग होता है, बहुत बहुत शुभकामना। हाँ दादी ने चिप्स बना रखे कंडाली के, हमने खाए बहुत अच्छे हो रहे, ये रहे इसकी रेसिपी जल्द आएगी, अब दूसरे दिन बनाएंगे ना तब दिखाएंगे। कैसे सबने रंग लगा दिया, तो सब होली खेल रहे हैं, सब तैयार हो गए, अच्छा भाभी ढोल ला रहे, दादी जी गाना गा रहे हैं। होली मना रहे हैं और भाभी ढोल भी लेके आ गए हैं और बजा रहे हैं, उनका कलर सारा नीला नीला। बज नहीं रहा सही से।
भगवान। भाभी के यहाँ है तो भाभी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और वेरी वेरी हैप्पी। जैसे हम बन रखे हुए वैसे आप रहो, खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी सब मुंह धोने जा रहे हैं इधर नीचे गंगा जी में, अलग धोने जा रहे हैं, वो सेल्फी लेंगे वहाँ। तो वहाँ बच्चे खेल भी रहे थे। और ये हमारे यहाँ का चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, तो ये तो मैंने दिखा रखा है। और यहाँ पे भैरव जी का मंदिर भी है, शनिदेव जी का मंदिर भी, जी का मंदिर है यहाँ पे, ये रहा। तो ये भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ हम घर जा रहे हैं।
अब हमने होली खेल ली है और हम घर जा रहे हैं, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही और हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही सुख शांति से आप होली का त्यौहार हर साल मनाते रहें और अच्छी अच्छी जगह जाएं, अच्छी अच्छी जगह देखें और कुछ अच्छा अच्छा सीखें जीवन में। और अब देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या दिखाते हैं। कुछ शादियों के व्लॉग हैं अभी, वो पिछले महीने शादियाँ हुई थी तो शादियों का सीज़न था, तो कुछ शादियों के व्लॉग हैं वही कंटिन्यू करेंगे, अभी तक बने नहीं हैं तो अब वही आएंगे थोड़े से, और भी कहीं जगह जाएंगे तो आपको दिखाएंगे।